Hey guys, Neha here. Welcome to my channel. Hope you all are good. So, आज हम जाने वाले हैं कोटा के सेवन वंडर गार्डन में. So, let's go. दुनिया के ये अजूबे मुख्यतः आश्चर्यजनक निर्माण के लिए जाने जाते हैं और चुने जाते हैं. ये बाहर के रोड का व्यू है, बिकॉज हम जा रहे थे एक मंदिर में भी. अगर आप बाहर से भी इसको देखते हैं तो बहुत ही मनमोहक लगता है. ये था वो बालाजी का मंदिर. दर्शन करने के बाद हम अगेन चल पड़े. आम शोर जो भी इस रोड से जाता होगा बिना देखे रहता नहीं होगा. मोबाइल फोन ने भी इस साइड तो बड़ा अच्छा साथ दिया है. कितना आसमान ब्लू लग रहा है. अगर आप में से भी कोई कोटा पहली बार आया है तो वैसे तो बहुत सारी जगह है कोटा में देखने की, बट आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे ऑटो वगैरह भी खड़े हुए हैं, तो अगर आपको आने जाने के लिए ऑटो की रिक्वायरमेंट है तो वो इजीली आपको मिल जाएंगे. ये सेवन वंडर गार्डन उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो जानना चाहते हैं उस टाइम के सेवन वंडर्स कौन थे, और उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. एंट्री गेट से टिकट लेने के पश्चात हम अंदर प्रस्थान कर गए थे. एंट्री करते ही लिखा होता है कि इसका लोकार्पण किसने किया है, और ये दिनांक 23 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था. एंट्री करते से ही जो फर्स्ट वंडर आता है ना, वो कोलोसियम है. कोलोसियम इटली के रोम नगर में स्थित है. इसमें भारी मात्रा में दर्शक आ सकते थे, और ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसे सेवन वंडर्स में शामिल किया गया था. आज मैं घर की चप्पल में ही आई हूँ टू फील कम्फर्टेबल. तो यहाँ जाके देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, आप देख सकते हैं. बाय द वे, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे इन वंडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ताकि सबको इनके बारे में जान सके, और अगर किसी को पता नहीं है इनके बारे में तो वो और शिक्षित हो सके. उसी को यहाँ इंग्लिश में भी लिखा गया है कि अगर कोई पर्यटक आता है और उसे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है तो. उसके बाद जो दूसरा वंडर आता है वो है मिस्र के पिरामिड. आइए थोड़ा और पास से देखते हैं. ग्रीनरी भी अच्छी मेंटेन कर रखी है. इसके यूनिक बनावट के कारण आई थिंक ये सेवन वंडर में शामिल हुआ था. ये मिस्र के गीजा शहर में स्थित है. अगेन इसके बारे में लिखा हुआ है, वो दिखा रही हूँ. कुछ कुछ जगह के बाद ऐसे छतरी टाइप बनाया गया है जहाँ पर भी बहुत लोग फोटो खिंचवाते हैं. बीच में एक फाउंटेन है, और फाउंटेन मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट है ताजमहल, जिसके बारे में तो सब जानते ही है. एज पर माई नॉलेज दिस इज द वन एंड ओनली मोन्यूमेंट्स फ्रॉम इंडिया जो कि इस टाइप के सेवन वंडर्स में शामिल है. वैसे तो मैंने रियल में कभी ताजमहल देखा नहीं है, बट जितना फोटोग्राफ में देखा है वैसा ही लग रहा है. नेक्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक है. ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है. keeping up with my health, just trying to keep good vibes, good times on me, feel it in my heart, deep down from
ये जो ब्रिज दिख रहा है ये अभी बंद है फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट है पिसा की झुकी मीनार, ये इटली में स्थित है। ये एक तरफ से झुकी हुई है इसलिए ही यूनिक है। कुछ जगह पे विश्राम करने के लिए बेंचेस भी बना रखी थी तो आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे चलने के पश्चात आ जाता है एफिल टावर, तो वहाँ चलते हैं। एफिल टावर पेरिस में स्थित है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। वहाँ पे जैसे रात में लाइटिंग होती है, यहाँ पे भी लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंट नज़ारा देखना हो तो आप रात में भी यहाँ पे आ सकते हैं और इवनिंग टाइम में। ड्यू टू सम रीजन में सेवंथ वंडर की वीडियो नहीं ले पाई, पर ये क्राइस्ट द रिडीमर की स्टेचू थी जो कि ब्राजील में स्थित है। यहाँ से जग मंदिर भी दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कोटा में। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ के आसपास एरिया में कोटा की सेवन वंडर में, जग मंदिर में और अदर एरिया में बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी की भी शूटिंग हुई है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से हमेशा के लिए देखते ही रहो। हमें ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई मगरमच्छ है। सो नाउ अगेन गोइंग टू द पेक, वापिस से हम प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ से आए थे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एज आई एम न्यू हियर एंड आई एम लर्निंग हियर एंड आई एम ट्राइंग कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, दैट्स व्हाई इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जरूरत में ही शॉपिंग करें, घूमें और अपना ध्यान रखें। सेफ रहे, टेक केयर, बाय। Just trying to keep good vibes, good times on me.